नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क के नए अध्याय गुमराह बचपन में आपका स्वागत करती हूं। सरप्राइज यू हाउस अंडर रिबन। ये चलो ऋषि, हर माँ बाप अपने बच्चे को सबसे अच्छी परवरिश देना चाहते हैं। लोगों का पैसा कमाने और तरक्की करने का सबसे बड़ा मोटिवेशन बच्चे ही होते हैं, पर सब माँ बाप की हैसियत एक सी नहीं होती। हमारे आसपास हर तबके के लोग होते हैं, कुछ हमसे अमीर तो कुछ गरीब। बाबा, हाँ? ये क्या, ये आपका पुराना फोन? मुझे मेरे बर्थडे पर नया फोन चाहिए। उसको क्या प्रॉब्लम है, फोन आते हैं फोन जाते हैं, बच्चों के लिए तो ऐसा ही चाहिए। आए सांगना। आए क्या बोलेगी, पैसे क्या झाड़ को उगते? आदि, जो मिल गया ना उसी में खुश रहना सीखो। ये देखो तुम्हारे लिए कितना अच्छा केक आया। मुझे नहीं चाहिए। आज की तारीख में पैसा सबसे महत्वपूर्ण साधन बन गया है, और हो भी क्यों ना, पैसे से ही हमारी हर जरूरत और बहुत से सपने पूरे होते हैं। पर यही पैसा जरूरत के साथ साथ लगभग हर जुर्म की जड़ भी बन गया है। सारे फ्लेवर्स लेके आयो, जो तुझे अच्छा लगता है खा लेना, ठीक है? लेकिन पहले मुझे ये बताओ, स्कूल में सबने बर्थडे विश किया कि नहीं? वो पापा, सबने बोला कि ऋषि के बर्थडे में सबसे बड़ा और सबसे बेस्ट चॉकलेट मिलता है। और क्यों नहीं मिलेगा, हमारे ऋषि है ही सबसे बेस्ट बेस्ट बॉय। ये लो बिट्टू, सामान जल्दी अंदर लेके आना, ठीक है? ऋषि, उछल कूद तो करेगा ही ना, इतना ओवर प्रोटेक्टिव होने की जरूरत नहीं है। पर बहुत लगी है उसे। कोई बात नहीं, आराम से उठो, चलो उठो। मम्मी आइसक्रीम। बिट्टू, वो आइसक्रीम का एक और पैकेट मंगा लेना। हाँ सर। इतना पैसा ये डेढ़ फुटिये पे खर्चा होता है ना, उतना तो हमारा पगार है। बताओ ये भी कोई जिंदगी है? पिछली बार मैंने अपने बच्चे के लिए ऋषि बाबा का पुराना वीडियो गेम मांगा, तो मैडम बोलती है तेरे 5 साल के बच्चे में इतनी अक्ल कहाँ है, नहीं दिया। कभी कभी तो मेरा मन करता है। मेरा भी। ये वही बच्चा है ना जिसके आई बाबा ने यही घर उसे गिफ्ट किया। लौता लड़का जो है साक्षात लॉटरी का टिकट है। देख आ गए अमीर बाप के औलाद। अब मजा देख। ओए चंगू मंगू, तुम दोनों में से किसके बाप के पास बड़ी गाड़ी है? मेरे। जो मेरे पापा ने इसी साल तीसरी कार बदली है। और मेरे पापा ने इस साल तीसरी कार खरीदी है। छोटी, तेरे जैसे हाथ क्यों लगाते हैं रे? ये क्या चल रहा है तुम लोगों का? ऋषि बाबा चलो, आज तो छोड़ दिया तुझे फट्टू, चल। हाँ जा, जब मैं वेकेशन से आऊंगा ना तेरे को देख लूंगा मैं। हाँ हाँ देख लेना, जब तक तू वेकेशन से आएगा ना तब तक मेरे पापा के पास और 2 कार होंगी। हाँ जा जा, आंटी इसको लेके जाओ। इससे कौन है? जाने दो, चलो तुम। बाबा। हाँ। मुझे भी जाने दो ना स्कूल ट्रिप पर, सब जा रहे हैं। अरे 10,000 रुपए नहीं है मेरे पास तेरे ट्रिप पर उड़ाने के लिए। हेलो हेलो सलाम, मुझे भी पैसे वाला बनना है। मैडम डिनर लगा दूं? नहीं मैं खा लूंगी, तुम जाओ। अच्छा ऋषि ने खाना खाया? हाँ, वो कब का खाना खा के सो भी गया। ठीक जाओ।
बड़ा नसीब है, ऐश है उन बच्चों की जो ऐसे बड़े बंगले में पैदा होते हैं। ऋषि, ऋषि, सरिता, सरिता, ऋषि तुझ्या बरोबर आहे का? सरिता, ऋषि, नहीं पीना मुझे पानी वानी। सर आप प्लीज मेरे ऋषि को ढूंढिए। देखिए रेखा जी, हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, आपको टेंशन जरूर होगा, लेकिन जब तक आप ठंडे दिमाग से हमें कुछ बताएंगे नहीं, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। सर, सब मेरा ऋषि सिर्फ 12 साल का है, रात को आया नहीं, उसे खाना खिलाकर करीबन 10 बजे सुला दिया। सर उसके बाद मैं अपना काम करने लगी, काम खत्म करके जब मैंने उसके रूम में देखा तो वो गायब था। मेरी आया और ड्राइवर मुँह दोनों भी गायब है। सर मैंने आज ही उन दोनों को डांटा था। ऋषि, ऋषि क्या हुआ? बताओ, बहुत बहुत दुख रहा है क्या? तुम दोनों को ना मैं आज के आज निकाल दूंगी। इडियट्स। मामा काम डाउन, मैं स्ट्रांग बॉय हूँ ना। अरे ऋषि वो तो तू है, पर अच्छा ठीक है, चल अंदर चल, दवाई लगा देती हूँ। एंड तुम दोनों को लास्ट एंड फाइनल वार्निंग, समझे? चलो। रेखा रिलैक्स। सर मैं ऋषि का पापा हूँ, कुछ काम से मुंबई गया था, रेखा का कॉल आया था, मैं रास्ते में था। सुनो शांत हो जाओ, ठीक है, मिल जाएगा ऋषि। प्रभुल मैं कह रही हूँ तुमने मेरे ऋषि को किडनैप किया है, प्लीज प्लीज आंगन है ना, प्लीज आंगन चौदह दया। शिर के एक काम करो, इनके लड़के की सारी डिटेल्स ले लो, आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर लो। एक काम कर दे रेखा जी, आपके घर से शुरुआत करते हैं, शायद कुछ क्लू मिल जाए, पता चलेगा कौन कहां ले गया उसे। पुलिस के पास गया या कुछ भी खोची किया, तेरी बेटी किधर फेंकी हुई मिलेगी मालूम ही नहीं पड़ा, समझा गया? अरे तू अभी तक सोया नहीं? 12 बजे सुबह स्कूल जाना है ना। हो बाबा बस बंद ही कर रहा हूँ। चल जल्दी कर, नहीं तो सुबह उठने को नाटक करेगा। चल चल सो जाओ। बाबा। हाँ बोल। बाबा ये जो टीवी पे बोलते हैं कि डोंट कॉल पुलिस किडनैपिंग के बाद, तो फिर भी लोग क्यों कॉल करते हैं पुलिस को? पुलिस को ना बताना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि किडनैपर पैसे लेकर भी बच्चों को मार डालते हैं, लेकिन चांस कम होता है, क्योंकि किडनैपर पैसों के लिए वेट करता है, तब तक पुलिस बच्चों को ढूंढ कर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन तू किडनैपर के बारे में क्यों पूछ रहा है? अरे बाबा मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, टीवी पे देखा ना इसके लिए। एक सुबह जल्दी जाना है, जल्दी कर, चल सो जा, चल। हो गुड नाइट। अरे रो क्यों रहा है ये बॉस? पिक्चर शुरू। गेम तो अब भी शुरू हुआ है, तुझे गौरव से जीतना है ना। सुन हम लोग एक खेल खेल रहे हैं, इसमें एक मेरी टीम होगी और एक उस गौरव की। वाह अपन गौरव का रहेंगे? एकदम आएंगे, तुझे बस वही करना पड़ेगा जो मैं बोलूंगा। अपन किडनैपिंग किडनैपिंग खेल रहे, डन? ओके दादा। चुप एकदम चुप, आई पापा को पता चल जाएगा, चुप आराम से सुन रहा, ठीक है? सरिता,
क्या हुआ मैडम? चुप लड़ी, चुप लड़ी, कहाँ मेरा ऋषि, कहाँ किडनैप हुआ? ऋषि बाबा किडनैप हुआ? मेरे को तो कुछ भी नहीं मालूम, मैंने खुद उनको सुलाया था। उठ बोल रही है ना तू? नहीं। कहाँ है रे बच्चा, कहाँ है? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम। सच बताने का साहब मारूंगा ना, तुम दोनों कहाँ से आए अभी? साहब मैं प्रफुल्ल साहब का ड्राइवर हूँ, सुबह 7 से शाम को 7 बजे की शिफ्ट होती है, उसके बाद मैं नहीं, 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 बच्चा। अरे अभी तो बताना पड़ेगा ना, वरना इनको लगेगा कि हमने कुछ किया है। अरे तो बताना। सब बता रहा हूँ साहब, हम दोनों साथ में थे, मेरी खोली में, ये बाजू में। करड़े जो खोली चेक करा, और ऋषि के साथ किसी को देखा था कि अभी चेक करो, उसको पुलिस स्टेशन लेके जाओ। मुझे दिला मैडम, ऋषि की रूम चेक करनी है हमें। ये विंडो खुली रहती है? नहीं सर, वो एसी चालू रहता है तो खिड़की बंद रहती है। ऋषि को एसी के बिना नींद नहीं आती। खिड़की फिंगरप्रिंट कलेक्ट करो, मुझे लगता है एसी खिड़की से उसको किडनैप किया गया है। तुम कुछ मिला? नो सर, सिर्फ स्कूल बुक्स है और ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इंडिकेट हो सके कि बच्चा कहाँ जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस और बीट चौकी दोनों से आवरली अपडेट लेते रहो। सर प्रफुल्ल जी, मुझे लगता है ये पैसों के लिए की गई किडनैपिंग है। आपकी किसी के साथ दुश्मनी, बिजनेस राइवल रही, किसी पे शक? नहीं नहीं सर। और एक आपसे इजाजत चाहिए थी आपका कॉल ट्रैक करने के लिए, क्योंकि हो सकता है किडनैपर आपको कॉल या मैसेज करे तो उसका लोकेशन फाइंड करने के लिए हमें इजी हो जाएगा। एनीथिंग सर, आप प्लीज मेरे ऋषि को ढूंढिए, पता नहीं वो किस हाल में होगा, कैसा होगा। टेक केयर। क्या हो? सोना चुपचाप। एक मिनट रुक। मुझे मम्मा के पास जाने, मुझे पानी पिलाने के लिए मुंह खोल रहा हूँ, चिल्लाया तो देख लेना। नहीं मुझे नहीं, मुझे मम्मा के पास जाने। चुपचाप पानी पी, वरना काट डालूंगा। चुपचाप पी, अभी चुपचाप सोना, वरना काट डालूंगा। अभी मस्त सोएगा ये, आएगी स्लीपिंग पिल्स पी के। साहब आप चाहे जितना मर्जी मार लो हमें यहाँ, लेकिन वहां जिसने ऋषि बाबा को उठाया है ना, वो आपके नाक के नीचे से चला जाएगा। हाँ साहब, अगर हम किडनैप करते तो वापस उनके बंगले पे क्यों जाते साहब? हाँ। इनको इधर ही रखो। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि दोनों ने कुछ नहीं किया, फिर भी इनकी कॉल डिटेल्स निकालो, कॉल लोकेशन चेक करो, और सुबह उसके घर के आसपास कोई था क्या ये भी चेक करो। ट्रैफिक पुलिस से कुछ पता चला? सर ट्रैफिक पुलिस ने अपने सारे सीसीटीवी चेक किए, लेकिन बच्चा कहीं नहीं दिखा। बीट चौकी अभी तक तो कुछ नहीं सर। आएगी नींद की गली तो मस्त है, तू आराम से सो, मैं तेरा आए बाबा से वसूली करके आता हूँ। सब बात है, पहले 25 लाख का जुगाड़ कर, नहीं तो तेरे बेटे के 25 टुकड़े कर दूंगा। वापस कॉल करूंगा। 24 घंटे तेरे पास। हेलो 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 ऋषि, सर किडनैपर का फोन आया था, लोकेशन साईं बाबा नगर की है। बराबर टाइम पे आई है पुलिस।
पुलिस सिद्धि पूरा घर चेक करो। काय झालं साहेब? एक बच्चा किडनैप हुआ है ऋषि साटम और तुम्हारे घर से रैंसम कॉल आई है। बच्चा किडनैप मेरे घर से? सर अंदर तो कोई नहीं है। सर आत्मदी बंद खोनी ना है सर। क्योंकि साहब किसी बच्चे को मैंने किडनैप किया ही नहीं है। लेकिन फोन तो तुम्हारे नंबर से आया। मैं ये सगळं कशाला करणार साहब? ये लैंडलाइन नंबर आपके घर का है ना? हाँ। तो पर कैसे हो सकता है? मैं तो इधर ही थी, काम कर रही थी गार्डन में। शिरके अच्छी तरह से चेक किया ना? हाँ सर। हाँ सर। बबीता काकी मैंने एक आदमी को बाइक पे देखा था, लंबा सा था, वो आपके घर के आसपास घूम रहा था और आपके घर के अंदर भी घुसा था। अरे लेकिन तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? काकी मुझे लगा आपके जान पहचान वाला होगा, लेकिन अभी पुलिस आई तभी समझा। चोरी हुआ क्या? तुम्हारा नाम क्या बेटा? आदित्य राणे। काफी होशियार लगते हो। मेरे बाबा PSI है दियोरी पुलिस स्टेशन में, उन्हीं से सीखा हूँ। दियोरी पुलिस स्टेशन में? हाँ। क्या नाम है? जयदीप राणे। ओ जयदीप के बेटे हो? सर ये तो जयदीप का बेटा है, मैं जानता हूँ उसे। पुलिस का लड़का है। अच्छा बेटा बताओ बाइक का नंबर क्या था? 3036 बस इतना याद है, काली बाइक थी। अच्छा उसका स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर। गुड शिरके बाइक सर्च करो और स्केच बनवा। सर वो स्केच आर्टिस्ट रत्नागिरी गया हुआ है, जैसे ही आता मैं बनवाता हूँ। सर मैं स्कूल जाऊँ? अच्छा पढ़ना। थैंक यू सर। और काका काका कैसे हो? देवग आ गया मेरा शेर भतीजा। मेरे बाप को मालूम नहीं ना तू इधर आया? उनको मालूम पड़ता तो इधर रेड डाल देते। मैंने आपका काम कर दिया है, मुझे मेरा माल दे दो, मुझे स्कूल भी जाना है। शेर की समझ में नहीं आ रहा कॉल किसने किया था। सर सर किडनैपर का फोन आया था, 25 लाख मांगे सर, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। नहीं नहीं रेखा जी ऐसा मत कीजिए, अगर आप पैसा देंगी तो किडनैपर बच्चे को मार देंगे। जब तक आप पैसा नहीं दोगी बच्चा जिंदा रहेगा, हमें उसके दूसरे कॉल का इंतजार करना होगा। सर बिट्टू और सरिता से कुछ पता चला? देखिए हमने दोनों की फोन लोकेशन चेक की है, उन दोनों ने कुछ नहीं किया, वो लोग अपने घर पे ही थे। सब कुछ गंदा कर दिया तूने। अभी आई के आने से पहले ये सब साफ करना पड़ेगा। चल नीचे उतर। चल अभी तू और कपड़े एक साथ साफ हो जाएंगे। से कपड़े पहनाओ तेरे को, मेरा पहनाऊंगा तो मेरा भी कपड़ा गंदा कर देगा। चल सही लग रहा है तेरे को, कपड़े एकदम मस्त आ गए। चल अभी बिस्किट का। नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे मम्मी के पास जाना है। तेरे को पास्ता पसंद है ना, आज रात को खिलाऊंगा। चल चल अंदर जा फटाफट अंदर जा। अभी चुपचाप बैठना, आवाज नहीं होनी चाहिए ठीक है? शिरके काका या कैसे हो? अच्छा हो। पापा किधर हैं? वो सर सैटरडे संडे आते हैं, रोज बाइक पे आना जाना जमता नहीं है ना, उनको बैक प्रॉब्लम हो गई है। अरे बैक का बहुत लफड़ा है आजकल। आइए ना। हाँ थैंक यू। वो स्केच बनवाना था। हाँ वादी शिरके काका मुझे बता रहे थे कि तुम उनकी हेल्प कर रहे हो स्केच बनाने में। आप लोग स्केच बनाइए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ थैंक यू। बैठो वादी। बताओ अंकल वो कैसा दिखता था? वो इंस्पेक्टर साहब का मिलेंगे। बी पॉजिटिव सर। मैं जेसन जोसेफ,
आपने फोन करके बुलाया था यहाँ आने के लिए? हाँ। मैं अपनी बाइक भी लाया हूँ सर। 3036 यही नंबर था और ये बाइक सुबह साई बाबा नगर में भी दिखाई दी थी। सर मैं आया था उस दिन नासिक और मैं यहाँ का नहीं हूँ सर, स्टे इन पुणे। एक बच्चा किडनैप हुआ है समझा ना, फोटो दिखाओ इसको। आई डोंट नो सर। हमारे पास आए विटनेस है, उस वक्त उस एरिया में था तू जहाँ से बच्चा गायब हुआ है और एक अनजान घर में जाके तूने रैंसम कॉल किया है। बच्चा कहाँ है? क्या सर, मैं उस एरिया में जरूर था लेकिन मैंने ये सब काम नहीं किया सर। सर प्लीज ट्रस्ट मी। करड़े ये तो पाउंड चार गया। अरे सर सर वेट वेट सर, सर आप पुणे पुलिस स्टेशन कॉल कीजिए। तू पुलिस को पुलिस की धमकी दे रहा है? नहीं नहीं सर, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ सर। वहाँ पे PI निकम जी हैं सर, एक बार उनको कॉल कर लीजिए सर। दे नो मी वेरी वेल, मैं वहाँ पे कंप्यूटर्स बनाता हूँ सर। आई क्या बना रही हो? सब्जी। नहीं मुझे सब्जी नहीं खानी, मुझे पास्ता खाना है। तू नाटक नको करवा, अभी रात को मैं पास्ता कहाँ से बनाऊँ, घर में सामान नहीं। अरे क्या आई, रुको ये लो मैं इंस्टेंट पास्ता का पैकेट लेके आया हूँ, जल्दी से बना ना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ निकम। यस यस ओ चल चल शिरके, निकम तो बोल रहा है जेसू का रिकॉर्ड क्लीन है, फिर भी उसको बोला मैंने उसके घर की तलाशी लो, कुछ ना कुछ मिलेगा। अरे आदित्य ने जो स्केच बनवाया था वो भी मैच नहीं होता यार जेसू से। सर मुझे लगता है कि आदित्य थोड़ा कंफ्यूज है, बच्चा है ना सर, हो सकता है कि आदित्य ने जेसू की बाइक को वहाँ पे देखा लेकिन घर में घुसते हुए किसी और को देखा और शायद हमें बताने में कुछ कंफ्यूज हो गया। हो सकता है, फिर भी एक काम करो ये स्केच सर्कुलेट कर दो, देखो कोई पहचानता है क्या। ठीक है सर। जो CCTV फुटेज का क्या हुआ? सर जिस दिन किडनैपिंग हुई उस दिन वहाँ आसपास कुछ गाड़ियाँ तो दिख रही हैं लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं दिखा। फिर भी एक काम करो, किडनैपिंग 9 तारीख को हुई ना, तो उसके पहले 8 दिन आसपास का CCTV फुटेज कलेक्ट करो। अरे ऋषि जहाँ जहाँ जाता था वहाँ का भी CCTV फुटेज कलेक्ट करो, देखो कुछ कड़ी मिलती है क्या। उसके घर से किडनैप किया है तो रेकी तो जरूर की होगी। एक सरल सा दिखने वाला किडनैपिंग का केस पुलिस के गले की हड्डी बनता जा रहा था और इसका सबसे बड़ा कारण था आदित्य का शातिर और तेज दिमाग। ना सिर्फ आदित्य ने बहुत सोच समझकर हर कदम उठाया था बल्कि उसने पुलिस को भी बहुत चालाकी से गुमराह कर दिया था। हर दिन ऋषि की जान पर खतरा बढ़ते जा रहा था क्योंकि आदित्य की चालाकी बहुत खतरनाक थी, वो कुछ भी करने में सक्षम था, पर क्या वो ये सब अकेला कर रहा था या कोई और था जो इस सब का मास्टरमाइंड था। दिनिया बस अपना प्लान हिट हो जाए तो अपनी लॉटरी लग जाएगी। अपन ने तो अपना काम किया, बस अब माल हाथ में आना चाहिए। आएगा आएगा, लेकिन अगर माल नहीं आया तो? नो टेंशन, आइटम किसी और को भेज दें, आजकल मार्केट में बहुत खरीददार है। आदि तेरा पास्ता निकाल के रखा है, ले लेना। ओके आई। ऋषि बघ तुझ्यासाठी मी पास्ता केलाय। माझं ऋषि रेखा ऐसी मस्त खाने का चुपचाप और मस्त सोने का चुपचाप, क्यों फेर ना? मामी चुपचाप खा। पैसा रेडी है? मुझे और 2 दिन लगेगा।
वो बैंक का सर्वर डाउन था ना, तो पैसे नहीं निकाल पाया। अगर ज्यादा टाइम लगा ना तो तेरे बेटे का टाइम अप हो जाएगा, समझा? नहीं नहीं, दो दिन बाद कॉल करूंगा। आप हेलो हेलो, एक मिनट सब, लोकेशन यहाँ एक्टिव दिखा रहा है। ऋषि के पेरेंट्स को यहीं से फोन आया था। सब यही है एक्टिव लोकेशन। कॉल करो। सर लास्ट डायल नंबर तो वही है और बाकी का पूरा फोन साफ है सर। ये पक्का चोरी का फोन है। फोन किसका पता करो। सर इस फोन की डिटेल्स ऑलरेडी मिल चुकी है। ये चित्रा जगताप का फोन है सर, मेडिकल कॉलेज में इंटर्न कर रही है और साईं बाबा नगर में रहती है। साईं बाबा नगर, दोनों कॉल्स का कनेक्शन साईं बाबा नगर से सिरके, जो कि ऋषि के घर के आसपास है। एक काम करो, चित्रा के अड़ोस पड़ोस में पता करो कोई अनजान आदमी को देखा है क्या, और हाँ ऐसे में किसी ने वहां रेंटल हाउस लिया है ये भी पता। ये आपका फोन है? थैंक यू सो मच। मैं पता इतना डर गई थी ना, मुझे लगा मैंने ये फोन खो दिया। अगर ये फोन मुझे नहीं मिलता ना तो दूसरा सेकंड हैंड फोन खरीदने के भी पैसे नहीं थे मेरे पास। थैंक यू सो मच। ये फोन तुम्हारे यहाँ इस घर से चोरी हुआ है? सच बताऊ तो पता नहीं, मेडिकल इंटर्न हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, 2 घंटा सोने को मिलता है और आधा टाइम तो मेरा फोन चार्ज में ही रहता है हॉस्पिटल में। पर मैं इसको पक्का संभालूंगी अब। आप यहाँ पे अकेली रहती हैं? नहीं, आई जॉब पे गई और भाई अभी क्लासेस में है। आप इसको जानती हैं? नहीं। पक्का? हाँ। लगता है बच्चे की टी शर्ट का कपड़ा है। सर, बच्चे को बहुत ही लंबे टाइम तक बांध के रखा गया था और लगता है सर पे चोट लगने की वजह से उसकी डेथ हुई है। नहीं दृप, बच्चे को बाहर से अंदर फेंका गया और उसके बाद में उसके सर पे चोट आई है। ये पोस्ट मर्डर चोट है क्योंकि ब्लड क्लॉट भी नहीं है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, उसके फैमिली को इन्फॉर्म कर दो। ये तो मेरे बच्चे के कपड़े हैं। तुम्हारे बच्चे के कपड़े ऋषि ने कैसे पहने? पूछो अपने बच्चे से। ऋषि, ए ऋषि उठ ना, ए ऋषि उठ, ऋषि कहा था पुलिस को इन्वॉल्व मत करना। मैं गई थी पैसे लेकर बिना बताए, फिर क्यों मार दिया मैंने ऋषि को? क्या बात कर रही हैं आप, पैसे लेके गई थी?
अगर ये पैसे देने के लिए तैयार थे तो ऋषि को मारा क्यों? सर, मैंने आदित्य के घर के पास के सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए। आदित्य के घर के पास तो कोई सीसीटीवी नहीं है, लेकिन आदित्य के घर के तरफ जो रोड जाती है वहाँ एक सीसीटीवी मिला है, और सर उस सीसीटीवी में ये दो लोग मिले हैं। सर, मैंने सारे पुराने फुटेजेस से मैच किया, ये दोनों लोग लगभग हर बार ऋषि के लोकेशन पर ही थे, जैसे कि ऋषि को फॉलो कर रहे हो, लेकिन अलग अलग व्हीकल में, कभी कार में कभी बाइक पे। सर एक मिनट, सर ये तो सचिन है, जयदीप का कजिन, और सर इसका नाके पे गैरेज भी है, एक नंबर का बदमाश आदमी है, पैसे कमाने के लिए उल्टे सीधे धंधे करता रहता है। यो नहीं अन्ना। सर तुम दोनों के कॉल रिकॉर्ड में लेन देन का जिक्र हुआ है, 25 लाख रुपए की बात कर रहे थे तुम लोग। ये वही 25 लाख है ना जो तुम ऋषि के माँ बाप को मांग रहे थे? नहीं सर, वो हमने पता किया, आदित्य से बार बार मिलते थे ना तुम, उसको बुरी आदतें लगा रहा था तू, सिगरेट पीना, दारू पीना, चोरी करना, उसका इस्तेमाल कर रहा था तू ऋषि को किडनैप करने में। नहीं सर, मैं सच कर रहा हूँ, मैं बस आदित्य को बिगाड़ना चाहता था, उसके बाप की वजह से मेरे आई बाबा ने मुझे घर से निकाल दिया था, इसलिए मैंने वो आदित्य को सिगरेट की आदत लगाई। सर वो दामिल वाले आ गए। सर सचिन काका और मैंने कुछ नहीं किया। देखो वो सचिन है ना, वो अच्छा आदमी नहीं है, वो तुम्हें बुरी आदतें लगा रहा है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी आदित्य। कभी कभी मम्मी डैडी की बातें कड़वी लगती है, लेकिन वो माननी चाहिए आदित्य। नितिन जी मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपके बेटे के कपड़े आदित्य के पास कैसे आए? अरे साहब, मैंने मेरे बच्चे को पूछा, उसने बताया आदित्य ने बहाने बना के कपड़े लेके गया। सर गौरव के फादर नितिन का कहना है कि आदित्य बहाने से उसके कपड़े लेके गया था। ए गौरव सुनना, मुझे तेरा हाफ पैंट और टी शर्ट दे फटाफट। काय को मेरा कपड़ा क्यों चाहिए? अरे मैं रोबोट बना रहा हूँ तो उसको तेरा कपड़ा पहनाऊंगा, तुझे अच्छा लगेगा, बेस्ट लगेगा। और क्या है, मेरे पास इतने अच्छे कपड़े नहीं है, तेरे पास बहुत ज्यादा अच्छे कपड़े हैं, इसलिए मैं तेरे घर पे लेने आया। खाला दादा रुको, मैं अभी जाता हूँ छत पे, वहां से फेंकता, पर मेरी आई को मत बताना। तू भी मेरी आई को मत बताना प्लीज। ये ले। सर मैं और ऋषि दोस्त थे, गौरव और ऋषि की लड़ाई होती थी रोज। और सर ऐसा होता तो मुझे पता चलता ना, ये यहाँ नहीं होते, लेकिन मैं तो होती हूँ। नहीं नहीं, लेकिन बच्चे रूम में क्या करते हैं माँ बाप को पता नहीं चलता, ये स्मोक करता है पता है आपको? आदित्य, और कुछ पता है आपको इसके बारे में? तो बता दीजिए अभी। जितना पता था सब बता दिया सर। सर मैंने आदित्य और ऋषि के स्कूल में पता किया, दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन इनकी काफी बातें होती है रस्ते में, गौरव की भी। सर इनकी काफी बार लड़ाई हुई है। जब कॉल्स आए तब आदित्य और गौरव स्कूल में थे क्या? यस सर, इनकी अटेंडेंस पूरी है, वो लोग हमें सीसीटीवी फुटेजेस भेज रहे हैं। ये स्कूल में थे तो कॉल किसने की? सर एक लड़की की बॉडी मिली। सर ये तो चित्रा है, वो किडनैपर ने इसी के फोन से कॉल किया था। सर लगता है इसे किडनैपर को पहचान लिया होगा, इसलिए किडनैपर ने इसका खून कर दिया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर लड़की के पास मोबाइल पर्स कुछ भी नहीं मिला है। साहब वो लड़कियां मेरी चित्रा को कॉलेज में बहुत सताती थी, बहुत रैगिंग करती थी, उन्होंने ही कुछ किया होगा। प्लीज देखो मुझे जाने दो प्लीज। मैंने कौन सा इंजेक्शन दे दिया? ये पैरालाइज करने वाला था, ताकि कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स की वापस हिम्मत ना हो यहाँ आने की। उन्होंने मेरी बेटी को मारा होगा। सर वो तो कॉलेज में थोड़ा सा फन करते थे बस, और कुछ नहीं। ये फन है? रैगिंग फन होता है? हाँ ये थ्रेट टू लाइफ है। एक वीडियो की वजह से कितने केसेस लग सकते हैं तुम दोनों के ऊपर पता है? डॉक्टर भूल जाओगे जिंदगी भर। सर प्लीज माफ कर दीजिए, इस बार अब दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। आप कहेंगे तो हम चित्रा से माफी भी मांग लेंगे। ऊपर जाके माफी मांगना, मर्डर हो गया उसका। सर हमने नहीं मारा उसे, हमें तो पता भी नहीं है,
उसका मर्डर हो गया। आज सुबह कहाँ थे तुम दोनों? सर हॉस्टल में थे, अब वहाँ पे किसी से भी पूछ सकते हैं। चित्रा को इन्होंने नहीं मारा तो किसने मारा? पर सचिन, दिनेश और आदित्य हमारे निगरानी में है। शिरके कहीं दूसरा एंगल तो नहीं? तो चित्रा का मोबाइल चेक करो, कॉल डिटेल्स निकालो, हो सकता है बॉयफ्रेंड का एंगल। ठीक है सर। सर ऋषि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी मौत एस्फिक्सिएशन की वजह से हुई है, गला घोट के मारा गया है 13 सितंबर की रात 9 से 11 के बीच में। सो उसके बाद उसकी बॉडी को फेंका गया है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर काफ़ी वूंड्स है। और एक बात सर, ऋषि के गले पे हाथ और पंजों के निशान हैं। लेकिन सर गौर करने वाली बात यह है कि निशान काफ़ी छोटे हैं, या तो किसी औरत ने मारा है या तो किसी बच्चे ने। और सर और एक बात, ऋषि को कॉफ सिरप और नींद की दवा ये सब दिया गया था। नींद की दवा? सर नींद की दवा तो मानसी भी लेती है, कहीं ऐसा मानसी ने तो नहीं किया? हो सकता है, अपने बेटे को बचाने के लिए उसने ऋषि को मार दिया। सचिन और दिनेश का टाइम मैच होता है उस एरिया में। सर एक मिनट, सर ये देखिए, ये रात के 9 बजे की सीसीटीवी फुटेज है। लगभग 10 बजे के आसपास ये लोग वापस गैरेज में आ गए। लेटर में कुछ मिला? सर मैंने उसका फॉरेंसिक करवाया है। एक मिनट सर, सर ये देखिए, फॉरेंसिक का कहना है कि ये जितने भी लेटर हैं किसी बुक्स के अल्फाबेट को काट काट के बनाए गए, और ये दो लेटर हैं एन और ओ, ये किसी पर्टिकुलर एक ही बुक का। और सर ये जो टू दिख रहा है आपको, ये जो आधा काटा हुआ है, ये सर NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, केमिस्ट्री का फॉर्मूला है सर। और आजकल NO2 शायद 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। सर आदित्य भी 10th स्टैंडर्ड में ही आने वाला है, और माँ बाप अक्सर पहले ही बुक्स खरीद लेते हैं ताकि बच्चे पढ़ सके। घर में कुछ मिला? नहीं सर, हमने कमरा चेक किया लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने कमरा साफ किया है। लेकिन एक बात है शिरके, अगर आदित्य और मानसी ने ऋषि का मर्डर किया होता तो अपने घर के एरिया में बॉडी क्यों फेंकते? नहीं, ये कोई और एंगल है, ढूंढना होगा। इस आदित्य से फिर से एक बार बात करनी होगी। वहां बैठ। मुझे बस गरीब नहीं रहना था। बाबा हर बात पे पैसे के लिए ना बोलते हैं, मुझे बस थोड़ा पैसा चाहिए था। इसलिए तुमने सब कुछ किया? चल तुम्हारी गलती हो गई, और ये भी मालूम है कि तुमने ऋषि को नहीं मारा तो किसने मारा? देखो तुम्हारे खिलाफ सबूत है हमारे पास, क्या होगा तुम्हें जेल होगी, और जेल बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती बेटा। इतना ही नहीं, पापा को नौकरी से निकाल देंगे तो अच्छा लगेगा तुम्हें उसे। लेकिन सर मुझे नहीं मालूम किसने ऋषि को मारा। तो जो भी मालूम है बता दो। चेतन और मैंने ऋषि को किडनैप करने का प्लान बनाया था। इसका मतलब चेतन और तुमने दोनों ने ऋषि को किडनैप किया। चेतन कॉल करता था, पहले 25 लाख का जुगाड़ कर, तुम ऋषि को संभालते थे। फिर मैंने ऋषि को चेतन के घर भेज दिया। ये ले चाकू, इसको डराने में काम आएगा। और ऋषि के घर वो लेटर डाला ताकि पुलिस को पता ना चले। तुम बचना चाहते हो? हमारे काम करना पड़ेगा, करोगे? ए चेतन, बात करना है तुझसे यार। नहीं नहीं, मुझे बात नहीं करना जब तक तेरा केस खत्म नहीं होता। ए, एक तो तूने बॉडी मेरे कंपाउंड में डाला और मुझे फंसाया। मैंने नहीं किया। तो किसने किया, और किस किस को पता है किडनैपिंग के बारे में? वो ताई को पता चल गया था। ये तो वही बच्चा है ना, तूने किडनैप किया इसको? नहीं ताई। झूठ मत बोल। रुक जा। नहीं ताई, ताई मैंने किडनैप नहीं, सच बोल रहा हूँ। ताई मेरी बात तो सुनो। छोड़ मुझे। ताई, ताई रुको। ताई, आई चेतन ने किडनैप किया ऋषि को। आई पुलिस के पास जाते हैं। क्या? रुक, मैं आती हूँ। फिर हमें जो करना ही करेंगे। आई पर तू चुप बैठ बस। हाँ मैं आती हूँ। Thank you.
चेतन, चेतन ये तूने क्या किया? आई मेरे से गलती हो गई, मेरे को पैसे चाहिए थे, मुझे माफ कर दो। आई माफ कर दो प्लीज, अगली बार नहीं होगा पक्का। शांत हो जा, मुझे पता है तू मेरा राजा बेटा है ना। हाँ शांत हो जा, पर देख अभी हमें बच्चे को छोड़ना होगा। उठ जा बेटा। तो फिर आई ने मारा ऋषि को? नहीं, वो घर से जिंदा ही गया था, मेरी आई ऐसा नहीं कर सकती। और चित्रा ताई को? मुझे नहीं पता। तो फिर किसने मारा होगा? मैं उस बच्चे को छोड़ने वाली थी। रुको, पानी देती हूँ। मैं सबको बता दूंगा, तुम बहुत बड़े लोग हो, पुलिस तुमको बहुत मारेगी, तुम लोग बहुत बुरे हो, मैं सबको सब कुछ बताऊंगा। फिर मैंने उसे मार के उसे आदित्य के घर के यहाँ फेंक दिया, क्योंकि ये सारा प्लान आदित्य का था, उसी ने चेतन को बोला था ये सब करने के लिए। फिर बेचारा बच्चा, ये सब चित्रा को पता चला था इसलिए चित्रा को मार दिया। नहीं, मैंने उसे समझाया था और वो समझ भी गई थी। चित्रा, चित्रा उठ, चित्रा आई। हाँ आई, आप आ गए? हाँ मैं आपको दिखाती हूँ, आप आइए। नहीं मैं सच बोल रही हूँ। चित्रा कहाँ है, बच्चा कहाँ है? इधर ही तो था। चेतन क्या किया तूने बच्चे के साथ? मैंने कुछ नहीं किया। चेतन हमारा सांगा वो हा? मैंने उसे खिड़की से भगा दिया। अरे देवा, अब तक वो घर पहुंच गया होगा। आई आई, हमें पुलिस को बता देना चाहिए, मैं कॉल करती हूँ। चित्रा रुक, अरे आई मेरी बात सुन। आई चित्रा मेरी बात सुन, माना कि ये तेरा सौतेला भाई है, पर क्यों इसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है? चित्रा चित्रा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, किसी को कुछ मत बताना। मैं सुबह अपने काम के लिए निकल गई थी, सोचा था चेतन को लेके नासिक से निकल जाऊंगी, कि जान है तो जहान है ना। अच्छा तो तुम्हारी जान है तो जहान है, ऋषि की जान है तो बेजान है, हा? और चित्रा को किसने मारा? चेतन ने? नहीं चेतन ने नहीं मारा, वो तो सुबह ही स्कूल के लिए निकल गया था। मैं जब निकली तब चित्रा अकेली थी घर पे, चेतन ने उसे नहीं मारा। सर ये रहा मर्डर वेपन, और सर ये देखिए, ये रहा उस नाइफ सेट का फोटो जो हमें सर्चिंग के दौरान मिला है। सर ये चाकू इसी नाइफ सेट का है। इसका मतलब ये चाकू तुम्हें आदित्य ने दिया था ना ऋषि को डराने के लिए, लेकिन तुमने इस चाकू से तुम्हारे ताई को मार दिया। हमने सीसीटीवी चेक किया, तुम स्कूल जा रहे थे ना, लेकिन फिर से घर पहुंच गए। मेरे को पता चल गया था कि ताई मेरी सगी बहन नहीं है, उस रात ताई ने मुझे बोला। मैं बहुत डर गया था कि वो पुलिस को सब बता देगी। ताई, चेतन तू यहाँ स्कूल नहीं गया? ताई तू सही बोल रही थी, चल अपन पुलिस को सब बता देते। ताई 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 थाम, वो बाथरूम जाने का है, जल्दी कर। चेतन, सौतेली भाई बहन का कोई भरोसा नहीं होता, मेरे को जेल नहीं जाना है। मुझे उस पर भरोसा नहीं था इसलिए मैंने उसे मार दिया। जब गलत काम करोगे ना ऐसा ही होगा, हवा से भी डरोगे। अब क्या करोगे? इस केस में पुलिस की सबसे बड़ी गलती थी, उन्होंने आदित्य को बच्चा समझकर उसकी बात पर भरोसा किया। आदित्य बच्चा जरूर था पर मासूम बिल्कुल नहीं। आदित्य के माता पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से उसे सब कुछ दिया, पर उसे ज्यादा चाहिए था। चेतन जिसकी आर्थिक हालत कमजोर थी, उसने ये नहीं सोचा कि उसके ये सब करने से वो एक मुजरिम बन जाएगा। ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों को समझाए कि पैसा जीवन का एक हिस्सा है, सारा जीवन नहीं। पैसे से बड़ा इंसान है और उससे भी बड़ी इंसानियत। तो इसी सीख के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.